रीश्योरेक्शन रिमिक्स का जो 8.6.7 बिल्ड अवेलेबल हुआ है अपने Xiaomi Mi 2, अपने Mi 6s एंड Redmi Note 7 डिवाइसेस के लिए, उसके बारे में वीडियो है। मेरा नाम है मानव रॉय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो, और चलो भाई साहब वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई साहब यहाँ पर आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई साहब, घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना, एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलना अगर आपको पसंद आए तो। सबसे पहले चलते हैं भाई सब सेटिंग्स के अंदर, देख लेते हैं सेटिंग्स मेनू किस तरह से हमें देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर देख ही सकते हो। सबसे पहले चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। सो एंड्रॉइड जो वर्जन हमें देखने को मिलता है दोस्तों, एंड्रॉइड 10 के साथ देखने को मिलता है, एंड्रॉइड 11 के साथ अभी भी जो RRROM है अवेलेबल नहीं हुआ है। एंड जैसे कि आप देख ही पा रहे हो यहाँ पर ये जो बिल्ड है Redmi Note 7 के लिए अनऑफिशियल है, बट अगर आपके पास Mi A2 एंड Mi 6s डिवाइस है तो आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा। यहाँ पर 5th अप्रैल 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल जाती है Mi A2 एंड Redmi Note 7 दोनों ही डिवाइसेस के लिए। एंड Redmi Note 7 के अंदर जो कर्नल को यूज़ किया गया है दोस्तों, पीडिएटर स्टॉर्मब्रेकर का कर्नल है जो कि काफ़ी बढ़िया है। ना दोस्तों बात कर लेते हैं ये जो बिल्ड, इस बिल्ड के अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है, क्या क्या चीज़ को डाला गया है। सबसे पहले दोस्तों ये जो बिल्ड है दोस्तों फाइनल बिल्ड होने वाला है एंड्रॉयड 10 का। इसके बाद आपको जो भी अपडेट देखने को मिलेगा ऑफिशियली और अनऑफिशियली वो दोस्तों एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिलेगा, मतलब एंड्रॉयड 10 के साथ RR का जो लास्ट वर्सन है वो हमें 8.6.7 देखने को मिलेगा। जो RR का 9.0 आएगा तो दोस्तों एंड्रॉयड 11 के साथ देखने को मिलेगा, और सभी ऑप्शंस के साथ जो कि हमें एंड्रॉइड 10 के साथ अभी देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। एंड्रॉइड 12 अभी आने वाला है, बट रजिस्ट्रेशन रिमिक्स वाले अभी भी एंड्रॉइड 11 के अंदर स्विच नहीं किया है, क्योंकि दोस्तों एंड्रॉइड 10 का जो परफॉर्मेंस है एंड जो कस्टमाइजेशन वो काफ़ी बढ़िया हमें देखने को मिलता है। अगर बात करूँ सर्चबार की, सर्चबार कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलता है, काफ़ी हद तक आपको कस्टमाइजेशन का करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। ये जो रॉम है दोस्तों कस्टमाइजेशन किंग है भाई सब, आपको ढेर सारी कस्टमाइजेशन देने को मिल जाती है इस रॉम के अंदर। एंड जब कॉर्बा सोर्स अवेलेबल नहीं था, एवोल्यूशन एक्स अवेलेबल नहीं था, सो ये जो रॉम था तब काफ़ी पॉपुलर था। मैंने इस रॉम को, मेरे पास जो पहला फोन आया था Redmi Note 4G उसके अंदर इंस्टॉल किया था, काफ़ी मस्त चलता था। एनीवे बात कर लेते हैं अपना जो Redmi Note 7 उसके लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है एशियन रिमिक्स के 8.6.7 के अंदर। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमें अप्रैल का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिलता है, पीडिएटर स्टॉर्मब्रेकर का 9.6 कर्नल देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं अपने Mi A2 Mi 6s डिवाइस के लिए क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले Mi A2 एंड Mi 6s डिवाइस के लिए जो ये जो एशियन रिमिक्स का बिल्ड आपको देखने को मिलता है दोस्तों, ऑफिशियल बिल्ड देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया बात है। आपके पास जो Mi A2 डिवाइस है उसके अंदर आपको हेलकॉन का HMP वर्सन 5.3 का जो कर्नल है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एक्सीलेंट बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा। परफॉर्मेंस भले कम मिल जाए आपको हेलकॉन कर्नल के साथ Mi 2 डिवाइस के लिए, बट आपको बैटरी बैकअप काफी बढ़िया देखने को मिलेगा। उसके बाद जो पावर ऑफ चार्जिंग एनिमेशन है उसको आपको MIUI का देखने को मिलता है अपने Mi 2 डिवाइस के लिए। एंड जो माइक का इशू था व्हाट्सएप इंस्टाग्राम मैसेजर के रिलेटेड एप्लीकेशन के अंदर, उसे भी फिक्स करके दिया गया है इस बिल्ड के साथ। एज वेल दोस्तों जो वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर ऑडियो को भी और भी अच्छा करके दिया गया है। अभी वीडियो रिकॉर्डिंग के अंदर जो ऑडियो कैप्चर करेगा और भी बहुत ही बढ़िया ऑडियो कैप्चर करेगा इस बिल्ड के अंदर। और एक बात है, अपने पास जो Mi 2 डिवाइस है उसके लिए जो बिल्ड है वो TLR रिकवरी के साथ हमें देखने को मिलता है, मतलब आपको अलग से रॉम को इंस्टॉल करने के बाद जो TLR रिकवरी उसे इंस्टॉल नहीं करना होगा अपने Mi 2 डिवाइस के अंदर। एंड बाय डिफॉल्ट ये जो रॉम है इंक्रिप्टेड नहीं है, जो कि काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि बहुत से रॉम हमें इंक्रिप्टेड देखने को मिलता है, एंड मेरे को तो भाई सब डिक्रिप्टेड रॉन्ग ही ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे नॉर्मल फ्लैश कर सकते हो, क्लीन फ्लैश करने के ही रिकमेंडेशन रहेगा। बाकी अगर बात करो अपने Mi 2 डिवाइस को छोड़ के अपने Redmi Note 7 के अंदर कैसे चल रहा है, तो Redmi Note 7 के लिए ये जो रॉम है एकदम परफेक्ट रॉम है, काफ़ी मस्त चलता है, कोई भी शोले बात नहीं है। एंड यहाँ पर अगर बात करूँ वाईफाई के अंदर 2.4 GHz 5 GHz दोनों ही काम कर रहा है। हॉटस्पॉट की अगर बात करूँ तो यहाँ पर वो भी चेकआउट कर लेते हैं, हॉटस्पॉट जो है वो भी काम कर रहा है, आप एक साथ वाईफाई के साथ साथ जो हॉटस्पॉट है उसे भी आप यूज़ कर सकते हो, एंड आपका जो मोबाइल डाटा है वो भी काम कर रहा है। अगर बात करूँ सेटिंग्स की, कस्टमाइजेशन की, तो भाई सब कस्टमाइजेशन सेटिंग्स तो भाई सब नेक्स्ट लेवल की हमें कस्टमाइजेशन सेटिंग्स देखने को मिलता है। देखिए भाई बहुत सारी ऑप्शन है कस्टमाइजेशन के लिए, एंड इतनी सारी ऑप्शन है कि जो कि आप खुद यूज़ करते करते थक जाओगे भाई सब। कस्टमाइजेशन रजिस्टर्ड रिमिक्स रॉम के अंदर भरपूर होती है, तो कस्टमाइजेशन का कोई भी इशू नहीं है। जो जो कस्टमाइजेशन आपको शायद और कोई रॉम के अंदर देखने को ना मिले, वही कस्टमाइजेशन हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट लेवल कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है। ये सभी ऑप्शन के अंदर भी ऑप्शन हमें देखने को मिलते हैं, देखिए भरो बहुत सारे ऑप्शन है भाई सब, बहुत सारे ऑप्शन है। तो मैं आपको काइंडली सजेस्ट करता हूँ इस रॉम को इंस्टॉल कीजिए अपने Mi 2, अपने Mi 6s और Redmi Note 7 डिवाइस के लिए। मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ लिंक वहाँ पर जाके। एंड एज पर नो देखिए बारो बहुत सारे ऑप्शन थे, सभी ऑप्शन को एक ही वीडियो के अंदर कवर ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ लास्ट वीडियो के अंदर। सो इस वीडियो के अंदर ज़्यादा
हम बात ही नहीं करेंगे भाई सब कस्टमेशन के बारे में, क्योंकि कस्टमेशन के बारे में लास्ट वीडियो के अंदर बात कर चुका हूँ एंड इतनी सारी ऑप्शन है भाई, सब पानी पीना पड़ता है वीडियो करने के लिए। एनीवे यहाँ पर हमें थीमिंग का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, आप अलग अलग थीम को भी अप्लाई कर सकते हो। थीमिंग के अंदर भी आपको काफी अच्छा ऑप्शन देखने को मिलता है एंड जी विजुअल मोड को भी डाल दिया गया है, जिससे आपको जो राउंडेड कॉर्नर आप देख पा रहे हो, यहाँ पर हमने जो राउंडेड कॉर्नर है उसे डाल के रखा है, जो कि देखने में काफी मस्त लगता है। मेरे को तो जो राउंडेड कॉर्नर है काफी प्यारा लगता है, इसलिए मैं यूज करता हूँ एंड फॉन्ट भी है। सो कस्टमाइजेशन नेक्स्ट लेवल है, आप आराम से डेफिनेटली इस टॉप यूज़ कर सकते हो कस्टमाइजेशन के लिए, अगर आपको अच्छा कस्टमाइजेशन चाहिए तो। एंड अच्छा कस्टमाइजेशन के साथ हमें देखने को मिलता है बैटरी बैकअप की बात करूँ अगर दोस्तों, यहाँ पर हमें 8 आवर अगर मैंने चार्ज किया था लगभग 9 मिनट का यूजेस से 91% के आसपास बैटरी ड्रेन हुआ है, 91% के आसपास अभी फिलहाल बैटरी है, यहाँ पर 9% के आसपास बैटरी ड्रेन हुआ है। जो बैटरी ड्रेन है थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिला है, अगर 7% और 5% के आसपास होता तो बढ़िया होता है। सो बैटरी ड्रेन थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है आइडियल मोड के अंदर, होपफुली उससे जब इसका ऑफिशियल बिल्ड आएगा और नेक्स्ट एंड्रॉइड 11 के बिल्ड के साथ जो बैटरी बैकअप का इशू है वो ठीक हो जाएगा। बाकी बैटरी ड्रेन कितना होता है हम देखने वाले हैं, गेमिंग करने वाले हैं थोड़ा सा इस वीडियो के अंदर ही। एंड अगर बात करूँ सिक्योरिटी की तो फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक, ऐप अनलॉक सब कुछ हमें देखने को मिलता है। फिंगरप्रिंट की अगर बात करूँ, टैप किया ओपन हो गया, ओके। तो फिंगरप्रिंट देख सकते हो, हमें टैप करने के बाद कुछ सेकंड वेट करना पड़ता है, लगभग 1 सेकंड वेट करना पड़ता है, टैप किया उसके बाद कुछ टाइम के बाद ओपन होता है। सो फिंगरप्रिंट काम करता है। फेस अनलॉक की बात करूँ, फेस अनलॉक भी डेफिनेटली काम करता है, मैंने डाल के रखा था पर अभी रिमूव कर दिया है। इंक्रिप्शन की बात करूँ, मेरे पास इंक्रिप्शन का भी सपोर्ट है, इंक्रिप्शन की बाय डिफॉल्ट कोई जरूरत नहीं है। एंड ऐप लॉकर का भी फीचर हमें यहाँ पर डाल दिया गया है, अगर आप ऐप लॉकर की यूज करना चाहते हो तो। बाकी शामी पार्ट्स भी डाल दिया गया है, हेडफोन गेन, माइक्रोफोन गेन, उसके बाद एसी लिनक्स मोड डाल दिया गया है। एंड एज बिल्ड तो इन्फोर्सिंग बिल्ड, परमिशन बिल्ड का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ऑफकोर्स आपको इन्फोर्सिंग ही करके रखना होगा। एंड जीपीयू बूस्ट की बात करूँ, यहाँ पर हमें हाई एक्सट्रीम कर सकते हो, तो यहाँ पर हम दोस्तों जो जीपीयू है उसे बूस्ट कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा बहुत जो गेमिंग है उसे टेस्ट करके देखते हैं गेमिंग कैसा चलता है। तो हमने जीपीयू को हाई कर लिया है, सीपीयू को हाई कर लिया है एंड उसके बाद अपना जो एफकेएम है उसके अंदर चलते हैं एंड इसके अंदर भी हाई कर लेते हैं। सो यहाँ पर जो लिटिल कोड है उसे हमने हाई कर दिया एंड जो मिनिमम कोड है उसे भी हमने हाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो जीपीयू है, जीपीयू को भी हमने हाई फ्रिक्वेंसी में सेट कर देना होगा, उसके बाद हमारा जो जीपीयू है दोस्तों हाई फ्रिक्वेंसी में काम करेगा। सो हमने जीपीयू को सेट कर लिया है हाई के अंदर एंड हमने जो सीपीयू है उसे भी हमने हाई के अंदर सेट कर लिया है। नाउ जो एफपीएस है उसे डालते हैं। सो यहाँ पर जो एफपीएस मीटर है उसे हमने इनेबल कर लिया है, यहाँ पर हमें रियल टाइम एफपीएस जो है ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। एंड जल्दी से जो बैटरी परसेंटेज है उसे भी इनेबल कर लेते हैं, तो आपको रियल टाइम जो बैटरी परसेंट ड्रॉप होगा उसके बारे में आपको मालूम चल जाएगा। सो बैटरी परसेंटेज को इनेबल करते हैं। सो बैटरी परसेंटेज को हमने यहाँ पर इनेबल कर लिया है, देखिए 90% के आसपास है। एंड अभी थोड़ा सा गेमिंग करने वाले, देखने वाले कैसा होता है परफॉर्मेंस ओवरऑल। एंड बाय डिफॉल्ट जो कर्नल है उसको पीडिएटेड स्टॉर्म ब्रेकर कर्नल हमें देखने को मिलता है एंड देखते हैं गेमिंग कैसा होता है, तो आप देखिए वीडियो को। तो यहाँ पर हम गेम के अंदर आ चुके हैं दोस्तों एंड अब FPS देख सकते हो कितना FPS हमें देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर देख लीजिए हमने स्मूथ एक्सट्रीम एंड स्मूथ 90 FPS ऑप्शन को इनेबल कर लिया है, जो गेम अनलॉकर का मैजिक इसके मॉड्यूल है उसे फ्लैश करके। एंड नाउ देखते हैं कैसा चलता है, तो सिंपली जो गेम है गेम का मजा लेते हैं। अब FPS में ध्यान देना, ओ भाई साहब FPS देखिए कितना देखने को मिल रहा है। भाई साहब मेरे को तो, मैं यहां पर हेडफोन की यूज नहीं कर रहा हूं। दो दो एक साथ है सब, क्या बात है। बाकी आप FPS देख सकते हो किस तरह से हमें देखने को मिलता है। नाउ बंद करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पर बोलने वाला हूँ दोस्तों, जो परफॉर्मेंस है
इस रॉम का उतना अच्छा नहीं है। इससे पहले मैंने बहुत सारे रॉम को ट्राई करके देखा है, उसके अंदर हमें ज्यादा अच्छा एफपीएस देखने को मिलता है टीडीएम के अंदर ही, बट इस रॉम का परफॉर्मेंस अच्छा है बट उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। और एक बात है कैमरा टेप की अगर बात करूँ, लेवल 3 का सपोर्ट होता है, आराम से गूगल कैमरा को यूज कर सकते हो, नो इशू एट ऑल। एंड यहाँ पर गीकबेंच के अगर स्कोर में आपको दिखाऊँ तो आप शॉक हो जाओगे, गीकबेंच के स्कोर जो हमें देखने को मिला है यहाँ पर देखिए, हमने 2 दफ़ा टेस्ट किया है एंड जो स्कोर आई है काफ़ी कम आई है, 338 फॉर सिंगल कोर, मल्टी कोर के लिए 1000। सो इतना कम स्कोर हमें क्यों देखने को मिला है? बेसिकली दोस्तों यहाँ पर जो कर्नल है जो रॉम है दोस्तों उतना अच्छे से दोस्तों ऑप्टिमाइज नहीं है गेमिंग के लिए एंड परफॉर्मेंस सेंट्रिक काम करने के लिए, इसलिए जो परफॉर्मेंस है हमें काफ़ी कम देखने को मिला है। इवन हमने जीपीयू सीपीयू को बूस्ट कर लिया है उसके बाद ही। अगर आप कर्नल को चेंज कर दोगे, ओग्नि कर्नल लगाओगे और कोई कर्नल को लगाओगे तो आपको जो परफॉर्मेंस है काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड मैं तो कहता हूँ बस ये जो रॉम है, इस रॉम के अंदर आपको ज़्यादा कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, इसलिए बैटरी ड्रॉप ना हो इसलिए परफॉर्मेंस को कम करके दिया जाता है। एंड जो कि हमें यहाँ पर जो सीपीयू जो सीपीयू रिलेटेड टास्क है और जो बेंचमार्क है उसके अंदर हमें मालूम चलता है। एंड अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर सीपीयू थ्रॉटलिंग की, ओके मैं वो भी आपको दिखाना चाहूँगा। सीपीयू थ्रॉटलिंग की अगर बात करूँ दोस्तों यहाँ पर हमने 2 दफ़ा ट्राई किया है, 9 मिनट के आसपास हमने टेस्ट को रन किया एंड मैक्स गया है 101 जो कि काफ़ी कम है, एवरेज है 81, मिनिमम है 68, 73% का परफॉर्मेंस हमें देखने को मिला है सीपीयू थ्रॉटलिंग। यहाँ पर 83 है मैक्स, एवरेज है 75, मिनिमम है 53, 88% का मैक्स परफॉर्मेंस देखने को मिला है। अगर मैं आपको बोलूँ जो अपना रेडमी नोट 7 है दोस्तों नॉर्मली 120 के ऊपर चला जाता है मैक्स परफॉर्मेंस एंड जो एवरेज है उसको कभी भी 100 के नीचे नहीं आता है। यहाँ पर जैसे मैंने आपको बोला था यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसे घटाकर दोस्तों आपको ज़्यादा ऑप्शन देने को मिलता है। सो गेमिंग के लिए दोस्तों ये जो रेजिस्टर रिमिक्स हमें कतई मैं रिकमेंडेड नहीं करता हूँ। अगर आप सिर्फ कस्टमाइजेशन चाहते हो तो आप ट्राई करके देख सकते हो, बट ज़्यादा कस्टमाइजेशन यूज़ करने से आपको जो बैटरी ड्रेन है वो भी ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। बात कर लेते दोस्तों यहाँ पर जो बेंच आपका जो सिक्योरिटी एप्लीकेशन है मतलब जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा नहीं, बट उससे पहले जो मैजिक हाइड उस हमने इनेबल करके रखे, देखिए पारो मैजिक हाइड इनेबल है एंड नाउ देख लेते जो सेफ्टीनेट है वो काम करते नहीं। इससे तो मालूम चल जाता है जो बैंकिंग एप्लीकेशन है वो काम करेगा नहीं एंड यहाँ पर जो सेफ्टीनेट है तो यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। सो बैंकिंग एप्लीकेशन इस रॉम के अंदर काम में नहीं आएगा। होपफुली उस वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके पास 707 MI 2 MI 6 डिवाइस है तो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। जी एप्स वेला एंड वनीला वेला दोनों ही बिल्ड है, रेडमी नोट 7 के लिए वनीला बिल्ड है एंड MI 2 MI 6 के लिए जो है आपको जी एप्स वेला बिल्ड देखने को मिलता है। होपफुली ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।